हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ऑपरेशन लगा करके, जिससे इजिली हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले हम इसमें एक ऑपरेशन लगाएंगे, सी वन को रिप्लेस करते हैं सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम सी वन को रिप्लेस करें सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यानी कि जीरो। ठीक है, इसी तरह बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी करेंगे तो भी जीरो मिलेगा, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी करेंगे तो भी जीरो मिलेगा। ठीक है, बाकी सारे टर्म एज इट इज लिख लेंगे, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, यहां पर सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब देखिए, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो जीरो हो जाती है तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, जीरो, जो कि हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, सी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।